हाय गाइस, वेलकम बैक आवर गेमिंग चैनल जैस प्रो गेमिंग। सो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी जो भी होने वाली, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, फिर आपको बता दें आज की वीडियो होने वाली है कि क्या हम अपना एक कोई सा भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है कि क्या हम कोई सा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं या नहीं। और उसी में हम अजीलिया टाउन सर्वर 3 वो S3 अजीलिया टाउन में जो हमने अकाउंट बना रखा था उसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे। अगर डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट हो जाएगा, वरना नहीं तो हम उसे डिलीट करेंगे। और साथ ही साथ आज हम एक और नया गेम, वीडियो के लास्ट में हम एक नया गेम और स्टार्ट करेंगे और उस गेम को खेलेंगे। और वो कौन सा होने वाला है, थोड़ा सरप्राइज के साथ हम आपको लास्ट में ही बताएंगे। और क्योंकि अजीलिया टाउन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे जेम्स है गाइज। तो सोचो यार, थोड़ा सा गाशेफोन वीडियो भी इसे बना ही लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम गोल्डन गाशेफोन भी ओपन करेंगे और आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सुप्रीम पोकेमोन 110% आपके पे सुप्रीम पोकेमोन ज़रूर आएगा। अब ये नहीं कह सकता गाइज कि कितने आएंगे, लेकिन कम से कम एक ज़रूर सुप्रीम पोकेमोन आपको मिलेगा गोल्डन गाशेफोन में। और वो कैसे मिलेगा आज की वीडियो में देख लीजिए और जान लीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं और आज की वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा रहो, क्योंकि आज शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो यार प्रॉब्लम माफ़ कर दें बस इसे, और आगे क्या बोल सकता हूँ मैं। और आज की वीडियो में हमारे पास गाइज बहुत सारे बॉटल्स हैं। तो कौन सी बॉटल्स? एनर्जी बॉटल्स। उन एनर्जी बॉटल्स को हम यूज़ करेंगे और फिर वो अपना गोल्डन गाशेफोन वीडियो ख़त्म करने के बाद हाउ टू गेट सुप्रीम पोकेमोन के साथ साथ क्या बताएंगे, क्या हम अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे बहुत ड्रामे कर लिए हैं तो जल्दी करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके साथ, और गाइज इसी के साथ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने वो ज्वाइन विद जेस प्रो एक रिलीज वो से रिलेटेड एक लॉक्ड मैसेज तैयार करा है जिसके अंदर आपको कुछ वो मिल सकते हैं। अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना हो तो केवल 20 रुपये का 15 दिन का। एक हफ्ते का सोच रहा था लेकिन अब मैंने कहा कि 15 दिन का मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन। और अगर आपको लेना है तो आप उस वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके 20 रुपये पेमेंट करके आप उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। उसमें होगा ये कुछ वीडियोस केवल आपके लिए पर्सनल बनाई जाएंगी और इसकी कुछ वीडियोस आपको उस इस पर पब्लिश होने से पहले कुछ घंटे पहले देखने को मिलेंगी। तो ये उस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा होगा। और फिर इसी के साथ अब हम जल्द से जल्द स्वीप 10 टाइम्स करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वीप 10 टाइम्स करने से जल्दी होगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। और जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने पोकेमोन टिप्स वीडियो थी, उसके अंदर हमने पूरा गेम प्ले दिखाया, गेम को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को का एंड होने के बाद। क्योंकि वो वीडियो गाइज बस 1 घंटे की थी तो, लेकिन बहुत बढ़िया थी। सो गाइज, फिर आप देख सकते हो अब हमारे पास गाइज 18 गोल्डन गाशेफोन है। तो हम उसी से आपको गोल्ड, मतलब 18 है नहीं लेकिन हो जाएंगे 18 खरीदने के बाद, लगभग 18 के करीब हो जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो गोल्डन गाशेफोन है, आपको इन गोल्डन गाशेफोन का कैसे इस्तेमाल करना है कि एक आपको सुप्रीम पोकेमोन मिले ज़रूर, तो उसी के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको करना ये है, सो गाइस सिंपली आपको करना ये है कि आपको पहले जो गोल्डन गाशेफोन आपको यहाँ पे इंटू 10 लिखा हुआ आता होगा, इंटू 10 टाइम्स लेजेंडरी पोकेमोन्स, तो आपको इंटू 10 को या तो इंटू 1 में कर लेना है या फिर इंटू 5 में। क्यों? क्योंकि इसी से आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं सिंपल 1-1 खोल ओपन कर रहा हूँ और फिर उसके साथ में एक फिर मैं आपको दिखाऊँगा क्या होता है। अब ये देखिए, कभी लेजेंडरी आ भी सकता है मेरा, कभी एपिक आएगा, कभी रेयर आएगा, ये आप देख सकते हो 1 में, और 1 टाइम्स में तो यही होता है। तो ये बात है। और फिर इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बना रखी हैं गाइस, जैसे कि आपको पता होगा मैंने वो पोकेमोन लेजेंड आरकेएस पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सफ़ा आपको बता दिया था। वैसे लेट्स गो वो लेजेंड आरकेएस से रिलेटेड तो 2 वीडियोस बना ली थी, एक में मैंने आपको दिखाया था कि लोग कैसे आपको बताते हैं कि आप करते ऐसे ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो सब फेक तरीका होता है क्योंकि वो मोबाइल में चलने वाला है नहीं। तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को भी अगर देखना हो तो। तो गाइज अब हमने इतना कर लिया है, तो अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं इंटू 10, मतलब कि
आप देख सकते हो, अब यहाँ पे इंटू कुछ टाइम इंटू वन टाइम्स या फिर इंटू फाइव टाइम्स लिखा हुआ आएगा लेजेंडरी पोकेमोन्स, यानी कि उतने टाइम्स लेजेंडरी पोकेमोन्स आने के चांस हैं। तो अब हम इस पर इंटू टेन पे क्लिक करेंगे जब, तो फिर आप देखना एक सुप्रीम पोकेमोन ज़रूर मिलेगा, यकीन नहीं होता तो चलते हैं। तो पहला ही लेजेंडरी आया तो एपिक आ गया है, और एपिक के साथ हम फिर रेयर पोकेमोन भी आ चुका है। रेयर के साथ साथ अब देख सकते हैं एपिक आया है, अनफ्यूजेंट ब्लिट्जल नॉर्मल टाइप है, रेयर है यमास्क, और यमास्क का देख सकते हो आप ये, और फिर इसका देख सकते हो सुप्रीम पोकेमोन मिल गया आपने। तो फिर इसी के साथ आप देख सकते हो सुप्रीम पोकेमोन मिल चुका, और हमने आपको बता दी है हाउ टू गेट सुप्रीम पोकेमोन, तो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। और फिर इसके बाद अब मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कमेंट करे कि सुप्रीम पोकेमोन कैसे लें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपको तरीका बताया, इसमें भी बता दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा वैसा तरीका था जिसमें, मतलब कि उस वीडियो में मैंने लगभग डायरेक्ट बता दिया था, उसमें ये इंटू वन टाइम्स लेजेंडरी इसका बताया नहीं था। अब उसके बाद अब हम चलते हैं कैसे अकाउंट डिलीट करें। अब जब आप यहाँ पर आओगे, यूज़र से ऊपर वाले बटन पर क्लिक करोगे, तब देखना क्या होएगा आपको। एक पहले उससे पहले मिशंस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर मान लो अकाउंट डिलीट हो ही जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें गई, लेकिन कोई बात नहीं तब भी। और देख सकते हैं यूज़र में आओगे तो ऐसा आएगा, और यूज़र से ऊपर वाले में आओगे तो फिर लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो फिर अब हम देखेंगे कि क्या लॉग आउट करने से हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब लॉग आउट करने से आते हैं तो ये चीज़ भी लिखी हुई आती है, इससे तो लग रहा है कि भैया हाँ अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब एक सच बताऊँ तो एक व्यक्ति ने कमेंट करा था बहुत पहले, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, कि वो हम क्या अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, तो ये उसी के ऊपर वीडियो है बताऊँ तो। तो फिर इसी के साथ अब हम आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा रीओपन हो रहा है, और रीओपन होने के बाद और गाइस फिर अब हम दूसरा गेम खेलेंगे, और वो सरप्राइज इसलिए है। सो गाइस वो रीओपन हो चुका है गेम, अब उसके बाद टच स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब टच स्टार्ट पता नहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती रहती है इसके अंदर, और वो प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही है देख सकते हैं। और इसी के साथ गाइज मुझे एक और बात बताना है कि अगर आपका और मेरा गिल्ड वॉर्स टाइम सेम होता होगा तो गाइज गिल्ड वॉर 6 घंटे बचे हैं, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो गाइज देख सकते हो S3 अजीलिया टाउन में हमारा सर्वर है ही, देन इसका मतलब है कि आप अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, सिंपली आप अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, इससे हमें पता चल गया आज। और फिर इसी के साथ मुझे बताना है कि गिल्ड वॉर में 6 घंटे का टाइम बचा हुआ है, गिल्ड वॉर को ओपन होने में 6 घंटे का टाइम, मतलब अब 6 घंटे का नहीं, यानी कि लगभग अभी से अंदाज़ा लगाया जाए तो 10, 11, 12, 3 केवल गाइस 3 घंटे का टाइम बचा है, आप लगभग 2-2.5 बजे तक गिल्ड वॉर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आप जाके कर सकते हैं क्या कि आप जाके कर ले आराम से अपना गिल्ड वॉर स्टार्ट, ज़्यादा नहीं 3 घंटे, 2-2.5 या फिर 3 बजे तक आपका गिल्ड वॉर एंड हो जाएगा, फिर आप उसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट उसमें, और नेक्स्ट उसमें हम खेलने वाले हैं डेड जॉम्बी। सो गाइस आज हम जॉम्बी से रिलेटेड एक गेम ढूंढ रहे थे, और डेड जॉम्बी जिसके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं उसे मैंने खेला, और वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और मुझे लगा कि शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको भी शेयर करना चाहिए उसके साथ, क्योंकि डेड जॉम्बी बहुत ही बेहतरीन जॉम्बी गेम है, और उसे अब हम खेलेंगे और फिर देखेंगे। तो गाइज इसी के साथ आप देख सकते हो डेड जॉम्बी स्टार्ट होता हुआ, अब आपको लग रहा होगा अब दरअसल वीडियो कंबाइन करी है तो फिर आपको तो थोड़ा वैसा लगेगा कि यार एकदम से कैसे स्टार्ट हो गया, तो समझ सकते हैं। और फिर इसी के साथ डेड जॉम्बी में हम थोड़ा सा क्विक प्ले खेलेंगे जिसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, और अगर आपको ये गेम पसंद आए तो आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और इतना ही नहीं, अगर मैं इसमें अपनी कमेंट्री के साथ स्टार्ट करूँगा और आगे कमेंट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अगर आपको इसकी भी वीडियोज़ चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं कि हाँ इसकी भी वीडियोज़ बनाओ। इसीलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना, तो इसी के साथ हम अपने मिशन पर चलते हुए, और मिशन के लिए हमने अपनी गन को 1 स्टार से 3 स्टार बना लिया है, अब 4 स्टार के लिए जा रहे थे लेकिन ज़्यादा ही वो हो गया, और ये ज़ॉम्बी तो मुझे अपने से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, अपने से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन ये वाला तो मुझे मोटा लगता है, ये भैंस तो भाग भी नहीं पाएगा, कोई बात नहीं ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा देखते हैं। और देख सकते हो आप
पूरा ट्रेलर चल रहा है पिक्चर का, वो कैसे इंसानों को खा रहे हैं। मुझे भी खाना है, इंसानों को नहीं, लेकिन क्योंकि आज मैं सब्जी रोटी खाऊंगा। तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट होता हुआ और हेड शॉट पहला हेड शॉट। लेकिन इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी लाइफ एचपी कम हो जाती अगर हम तक कम होने शुरू हो चुकी है। और इतनी स्पीड में, अरे भैया आप ज़ोंबी हो या फिर उसेन बोल्ट द फेमस रेसर हो आप यार उस। तो गाइज इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है उसेन बोल्ट फास्टेस्ट फेमस रेसर है, बाकी उसके बारे में आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो फिर देख इतनी फास्ट, बिल्कुल उसेन बोल्ट की तरह स्पीड मार रहे हो। और फर्स्ट वेव को तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन हमारी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब सेकंड वेव आने वाली है, और सेकंड वेव में हम क्या करेंगे, क्या हम सेकंड वेव जीत पाएंगे या नहीं? मुझे ऐसे देखने से तो नहीं लग रहा कि एक साथ इतनी स्पीड में उसेन बोल्ट को फेल करते हुए, उसेन बोल्ट को फेल करना इतना आसान नहीं, लेकिन तब भी उसेन बोल्ट की बराबरी करते हुए और हमारी एचपी माइनस करते हुए, और इसी के साथ अब हम 110% कह सकते हैं कि शायद अब हम गए अब, क्योंकि मान लो इस सेकंड वेव को भी हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम थर्ड वेव पे टिक पाएंगे, लेकिन अगर लेकिन डर के आगे जीत है ये किसी ने कहा था, शायद ऋतिक रोशन ने ही कहा था। तो फिर ऋतिक रोशन सर की बात मानते हुए डर के आगे जीत दिखाएंगे, और ये वाला मैच अब हमें किसी भी हाल में जीतना है, और हम जीतने के लिए तैयार है। अच्छा तो नीचे से आएगा, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है तू ही मर पहले। और फिर इसका क्योंकि अब गाइस पहले हमें हेड शॉट पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब हमें जीत पर ध्यान देना है। इसलिए हेड शॉट हो या ना हो उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और अब इसी के साथ आप देख सकते हैं अपनी लगभग जीरो एचपी के साथ, मतलब कि अपनी जीरो लाइफ के साथ भी हम डटे हुए हैं इस मैच में। और ये मोटा आ गया, ये मोटा को मैंने कहा था भाग नहीं सकता है कमीना, लेकिन आप देख सकते हो ये मोटे को तो ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है। लेकिन अब केवल शायद ये मोटा ही थर्ड वेव ख़त्म हो जाएगी अगर इस मोटे को मार दिया तो। इसलिए केवल सिर पे दिमाग, इसका दिमाग का आज भेजा फ्राई करना है, और ब्रेन फ्राई, और इसी के साथ ब्रेन फ्राई हो गया और ये आग में जल गया और हम जीत गए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसी के साथ हमने एक हारा हुआ मैच जीत लिया है, और आई थिंक आप भी इसे ट्राई तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे ट्राई करने में, क्योंकि ये ज़ोंबी गेम बाकी सबसे बहुत ज़्यादा अलग है। या फिर आप इसे पहले से ही खेलते हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि हम तो इसे पहले से ही खेलते हैं। तो फिर इसी के साथ अब हम गाइज सेकंड यानी एक बैटल और करेंगे इसमें, और फिर इसके बाद इसकी वीडियो मैंने दरअसल इसी के अंदर अपना हाउ टू डिलीट अकाउंट क्यों जोड़ा, क्यों, क्योंकि अगर इसकी सेपरेट वीडियो बनाता तो फिर हो सकता था आपको पसंद नहीं आता। तो इससे यह होगा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और अगर आपको ये पसंद आएगा तो फिर आगे इसकी वीडियोज़ भी आएगी। और अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी गंदी कमेंट्री के लिए, और देख सकते हैं अभी कोई डर के मारे कोई भी आ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है लो एचपी के साथ भी यह हमें ख़त्म कर देता है। और ज़ोंबी लेकिन तब भी कुछ अपना डर का सामना करते हुए, पिछली बार बड़ी स्पीड में आ रहे थे इस बार, और वो जम गए, लेकिन हम जमे हुए नहीं, इसे छोड़ देते हैं, क्या पता जमे हुए कुछ करें ना, कुछ बिगाड़े ना हमारा। लेकिन मुझे कुछ जो गड़बड़ लग रही थी वही हुआ, जमे हुए क्या क्यों नहीं बिगाड़ेंगे, वो तो और ज़्यादा हमें परेशान करेंगे। लेकिन इसी के साथ आप देख सकते हैं फर्स्ट वेव भी कंप्लीट होने वाली है, और फर्स्ट वेव कंप्लीट होने का सेकंड वेव क्या हम जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार एचपी तो हमारी पूरी की फुल एंड फाइनल है। और इस बार हम शायद कोशिश करेंगे कि हमारी एक भी एचपी माइनस, मतलब कि एक लाइफ भी हल्की सी भी कम ना होए, कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि होएगी नहीं होएगी, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं एक ज़ोंबी बड़ी स्पीड में आया था, उसने तो पिछले वाले ज़ोंबी को भी फेल कर दिया था, लेकिन तब भी हम हैं, बाकी सब पता नहीं कौन है, ये सब कौन है हमें नहीं पता। तो फिर हम तो बस मारेंगे, कि हमें पता है इनका नाम ज़ोंबी है। तो डेड ज़ोंबी, मरे हुए ज़ोंबी, तुम यहाँ पे आ क्या रहे हो? तो फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं जेस प्रो गेमिंग ने अपना पहला ज़ोंबी गेम में अपना कमाल कर दिया है। एक ऐसा टारगेट सेट करा है कि अपनी बिल्कुल लो एचपी में भी उसने सेकंड एंड थर्ड वेव कंप्लीट करी है, और उसमें भी इतने फास्ट से ज़ोंबीज़ के आते हुए में। लेकिन ज़्यादा ही बड़ाई कर ली मैंने अपनी, बुराई नहीं बड़ाई, तो थोड़ी बुराई कर लेता हूँ। जेस प्रो गेमिंग को खेलना नहीं आता बिल्कुल भी, देख सकते हैं आप। और इसी के साथ देख सकते हैं जेस प्रो गेमिंग जैसा कोई है ही नहीं,
अब गाइस अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरे जैसे क्या मुझसे अच्छे अच्छे हैं। बस इसी के साथ अब हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। एक प्लेयर बचा है और इस मोटे को तो इस बार हरा के ही मानेंगे, और ये मोटा जाएगा अब तो हेड शॉट से जाएगा। और चलो ये मोटा भी जाता हुआ। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया हो। और अगर आपको इस गेम की वीडियो चाहिए तो हो तो मैं इसके लिए भी बनाने को तैयार हूँ। बस आप कमेंट करें कि हाँ इस गेम की भी बनाइए वीडियो। तो ठीक है गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और इस गेम की वीडियो चाहिए हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर चाहिए हो तो कमेंट करें, अगर कमेंट नहीं आया कहानी किसी ने भी तो नहीं करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।